नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित पेडागॉजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटेट एग्जाम 2019 के लिए आपके लिए उपयोगी रहेंगे। आप सीटेट एग्जाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको बताना चाह रहे हैं कि पेपर फर्स्ट जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए होता है उसमें गणित पेडागॉजी संबंधित 15 प्रश्न आते हैं, और इसी के साथ साथ यदि आप पेपर सेकेंड दे रहे हैं तो उसमें कक्षा 6 से 8 के लिए जो होता है पेपर सेकेंड उसमें 10 प्रश्न गणित पेडागॉजी वाले गणित के वाले भाग में पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न हैं ये आपको दोनों ही पेपर के लिए उपयोगी रहेंगे, पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों के लिए। यदि आप दोनों को दे रहे हैं तो दोनों के लिए भी उपयोगी रहेंगे। तो चलिए और शुरू करते हैं आज के हमारे गणित पेडागॉजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है। तो गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है, तो यहाँ पर महत्व जो नहीं रहेगा, हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं नवीन विचारों की जानकारी देना अभ्यास हेतु, थर्ड है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, और फोर्थ है शिक्षण सामग्री के रूप में। तो यहाँ पर गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से जो महत्व नहीं है वो होगा ऑप्शन थर्ड, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। अब यहाँ पर हमें देखना है अभ्यास कार्य का महत्व। तो देखिए गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का जो महत्व होता है उससे हम निपुणता प्राप्त करते हैं, कुशलता प्राप्त करते हैं, हम हमारे आत्मविश्वास का विकास उससे होता है, परंतु व्यावसायिक कुशलता प्राप्त नहीं होती है अभ्यास कार्य से। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन फोर्थ जो होगा व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो सबसे ज़्यादा महत्व होता है वो होता है व्यावहारिक रूप में, क्योंकि वहाँ पर व्यावहारिक महत्व उसका ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑप्शन थर्ड जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। अब पाठ्यक्रम के अंदर अंक गणित शिक्षण का क्या महत्व होता है, तो घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यावहारिक उपयोग या उपरोक्त सभी। तो अंक गणित जो होता है उसका हम देखते हैं महत्व सभी जगह पर होता है, घरेलू कार्य मतलब हम किसी प्रकार का हिसाब किताब लगाते हैं उसमें भी होता है, मजदूरी व्यवसाय करने हेतु भी होता है, और व्यावहारिक रूप से भी इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन फोर्थ जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। तो वह जो होता है व्यवहारगत परिवर्तन, तो वो होता है ऑप्शन थर्ड, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि और सूत्र का चयन करना। ऑप्शन थर्ड होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। तो पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा होता है, विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग या उपरोक्त सभी। तो यहां पर हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन फोर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। तो गणित शिक्षण के माध्यम से कौन सी भावना पर नियंत्रण रख सकते हैं या उसका कौशल विकसित हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है तर्क शक्ति, सेकेंड आत्मविश्वास, थर्ड है विचार शक्ति, और फोर्थ है ये सभी। तो गणित शिक्षण के माध्यम से इन सभी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का कौशल बच्चे में विकसित हो जाता है, ऑप्शन फोर्थ होगा हमारा यहाँ पर उत्तर। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न था, अगला प्रश्न देखते हैं, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। तो ये किसमें सहायक है, भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में या उपरोक्त सभी। तो देखिए गणित जो होता है वो सभी विषय खास करके विज्ञान जो विषय होते हैं इनका मुख्य आधार विषय माना जाता है गणित। तो इन सभी
विषयों के अध्ययन में भी ये सहायक होता है। तो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन फोर्थ जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? तो गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? तो यहाँ पर अभ्यास के रूप में, तर्कसंगत रूप में, समस्याओं के रूप में या आधुनिक गणित के रूप में? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड, तर्कसंगत रूप में। तो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है? तो देखिए, माध्यमिक स्तर के बाद कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है? तो माध्यमिक के बाद में हम भी हम देखते हैं कि दो स्तर होते हैं, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्तर, जिसमें 9th 10th या 11th 12th के स्तर होते हैं। तो हम यहाँ पर उत्तर जो है माध्यमिक स्तर के जस्ट बाद 9th 10th का जो स्तर है उसकी बात इसमें कर रहे हैं। तो उसके अंदर अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति ये सम्मिलित हो जाते हैं, और 11th 12th के अंदर फिर अवकलन समाकलन भी शामिल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर 9th 10th के स्तर से इसको देख रहे हैं, हाई स्कूल स्तर से। ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम का गणित में महत्व है। तो विद्यालय पाठ्यक्रम का गणित में महत्व होता है ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वंचित दृष्टिकोण पैदा करने में, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? तो वो युग्म बनाता है विषय वस्तु को एकत्रित करके, संगठित करके, व्यवस्थित करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड, संगठित करके जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम की उपागम है? तो गणित पाठ्यक्रम के उपागम जो होते हैं वो क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण होता है बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, बच्चों का समाजीकरण करने में, बच्चों का चरित्र विकास करने में, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी उत्तर होगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय भाषा का स्वरूप है। तो गणितीय भाषा का स्वरूप क्या है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सभी। तो गणितीय भाषा का स्वरूप होता है ये सभी, क्योंकि गणित के अंदर हम देखते हैं ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। तो गणितीय शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु क्या आवश्यक होता है? फर्स्ट है यहाँ पर गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, सेकेंड है विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, थर्ड है प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है। तो गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण क्या है? तो यहाँ पर है शुद्धता, यथार्थता, सक्षमता, ये सभी। तो यहाँ पर सभी जो हैं ऑप्शन फोर्थ, ये सभी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं, गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, निम्न में से यह कथन किसका है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यह कथन जो है ये है रोजर बेकन का, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, रोजर बेकन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होने चाहिए?
तो शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए? तो यहाँ फर्स्ट दिया है गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता, थर्ड है विभिन्न विधियों का ज्ञान, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो शिक्षक के अंदर इन सभी गुणों का समावेश होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति रिक्त स्थान आवश्यकता है। तो यहाँ पर गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति रिक्त स्थान आवश्यकता है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी के हमारा उत्तर, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? तो ये किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं गणित के अंदर? तो ये होती हैं मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। तो गणित शिक्षण के अंदर कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है गणितीय आकृतियां बनाना, ऑप्शन थर्ड होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, गणित की भाषा का अंग है। तो गणित की भाषा का अंग किस प्रकार का होता है? सूत्र, संख्या, संख्यांक, चर, संकेत, ये सभी। तो गणित की भाषा के अंग में ये सभी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, ये सभी। गणित की समाज में आवश्यकता होती है। तो गणित की समाज में किस प्रकार आवश्यकता होती है? लेन देन में, व्यापार एवं उद्योग में, थर्ड है एक और दो दोनों। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन थर्ड, एक और दो दोनों, क्योंकि लेन देन और व्यापार उद्योग दोनों में ही गणित की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, निम्न में से यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये है नेपोलियन का, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है। तो सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है तो किसके अंदर? तो सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है, ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ पर हमारा अंक गणित के अंदर। तो अंक गणित यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। तो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व किस प्रकार का होता है? तो बच्चों के सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, और सेकेंड यहाँ पर बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, थर्ड है बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का महत्व है। तो गणित शिक्षण का महत्व जो होगा ये होता है विज्ञान में, समुदाय में, सिद्धांत एवं तर्क में, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी उत्तर बनेगा उपरोक्त सभी में, ऑप्शन फोर्थ। आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को रिक्त स्थान के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो ये सहायता प्रदान करती है पाठ्यपुस्तक, समाज सहायक सामग्री या उपरोक्त सभी। तो आदर्श शिक्षा जो होती है वो बालक को समाज के लिए, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सेकेंड, समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है, गणित तर्क संगत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है, निम्न में से किसका कथन है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यथार्थ कथन और सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है गणित, तो ये कथन है डटन का, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे गणित पेडागॉजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे साथ में समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के।